तिरुपति पर स्थित भगवान बालाजी के मंदिर की महत्ता कौन नहीं जानता। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल करोड़ों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। साल के 12 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता न लगा हो। ऐसा माना जाता है कि ये स्थान भारत के सबसे अधिक तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही इसे विश्व के धार्मिक स्थानों में से भी एक माना जाता है। ये मंदिर तिरुमाला पर्वत पर बना हुआ है। इसे तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी को भगवान विष्णु का ही एक रूप माना गया है। वेंकटेश्वर और श्रीनिवास भी भगवान विष्णु के ही नाम है। बालाजी के दर्शन के अनुभव को शब्दों के द्वारा बताना आसान नहीं है। बालाजी की सुंदरता को बयान करना भी बेहद मुश्किल है। गर्भगृह में स्थित बालाजी की मूर्ति में एक हाथ जहां आशीर्वाद की मुद्रा में है, वहीं दूसरा हाथ ऐसी मुद्रा में है कि लगता है भगवान अपने भक्तों से कुछ मांग रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मनोकामना पूरी होने पर भक्त का कर्तव्य है कि वे बालाजी को विशेष चढ़ावा चढ़ाए या बालाजी के नाम पर कुछ खास काम करे। मान्यता है कि बालाजी कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो सबके दुखों का नाश करेंगे। बालाजी की यह मूर्ति बहुत तेजस्वी है क्योंकि पद्मावती से शादी होने के बाद अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के गुस्से का सामना ना कर पाने के कारण उन्होंने अपने आप को पत्थर में बदल लिया था। भगवान बालाजी सारी देवी देवताओं में सबसे अमीर भगवान है। यहाँ उनके भक्त अपनी मर्जी से पैसे और आभूषण दान करते हैं। इसी से जुड़ी एक कथा है कि पद्मावती से विवाह करने के लिए उन्होंने कुबेर से धन उधर लिया था, जिसे चुकाने के लिए आज भी लोग वह आभूषण और पैसों का दान करते हैं। भगवान बालाजी को इसलिए इतना धन चढ़ाया जाता है क्योंकि अंत में मनुष्य को अपनी भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर अपने आप को परमात्मा को सौंप देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।